जय यीशु। आप सबका आज के इस शाम की पारिवारिक प्रार्थना में मैं हृदय से स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस सुंदर दिन के लिए, दिन भर के हर आशीष और कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हम सबको आशीषें दी, कृपाएं दी, हमारा पथ प्रदर्शन किया, हमारे लिए प्रबंध किए, हमें सुरक्षित रखा, प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे संत स्तेफनुस की मध्यस्थता लेते हुए। आज कलीसिया संत स्तेफनुस का उनकी शहादत दिवस मनाती है, इसलिए आइए हम उनकी मध्यस्थता लेते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु में आशीष दें। समर्पित हो जाएं, अपने सभी पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, शुद्ध होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शुद्ध करें। समर्पित हो जाइए, संपूर्ण परिवार को प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, विशेष करके जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो, उसका मुक्ति विधान घोषित करो, हालेलुया, हालेलुया। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, उसकी महिमा का बखान करो, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, अत्यंत प्रशंसनीय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा 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 महिमा, आराधना आराधना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता प्रभु, तुझे धन्यवाद। हे बालक यीशु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे आदर में नया गीत गाते हैं, तेरे आदर में गाते बजाते हुए तेरी स्तुति तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा महिमा महिमा, आराधना आराधना आराधना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। तारा जो चमका यरूशलेम में, सारे जग में धूम मचा, का दाता इस जग का त्राता हमको बचाने आया झूम झूम के। का दाता इस जग का त्राता हमको बचाने आया झूम झूम के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। सोए हुओं को खोए हुओं को ये संदेश सुनाते चलो, कोई सितार से कोई मल्लार में खुशी से गाने लगे झूम झूम के। कोई सितार से कोई मल्लार में खुशी से जाने लगे झूम झूम के। हो देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। प्रेरित चरित से आज का पाठ, वचन संख्याएं 6-10 तक और अध्याय 7:54-49 तक। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार दिखाता रहा। उस समय दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और कुरेने, सिकंदरिया, किलकिया तथा एशिया के कुछ लोग स्तेफनुस से विवाद करने आए, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसते रहे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूं। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारते रहे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु ईसा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज जैसा कि हमने शुरू में कहा कि आज कलीसिया संत स्तेफनुस का शहादत दिवस मना रही है, और कलीसिया के इतिहास में संत स्तेफनुस जो है पहले शहीद माने जाते हैं, और संत स्तेफनुस जो है बड़े ही धार्मिक व्यक्ति और प्रभु का कार्य ईमानदारी से करने वाले व्यक्ति थे। प्रभु यीशु ने अपना कार्य अपने शिष्यों को सौंप दिया। प्रभु ने अपने शिष्यों को चुना, बहुत सारे शिष्य प्रभु ने चुने, और उन्हें अपना सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा को उनके ऊपर फूंका, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दिया, उन्हें चंगाई का वरदान दिया, वचन सुनाने का वरदान दिया, कई प्रकार के वरदानों से भरा, और उन्हें आदेश दिया कि संसार के कोने कोने में जा करके सुसमाचार का प्रचार करो, रोगियों को चंगा करो, बंदियों को छुड़ाओ, और ईश्वर के न्याय का दिन घोषित करो। और इस तरह से प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण के बाद पूरा सामर्थ्य, पूरी जिम्मेदारी शिष्यों पर दिया और कलीसिया की स्थापना की, और उसके बाद शिष्यों पर वचन कहता है कि उन पर बड़ा अनुग्रह बना रहा, उन पर बड़ा सामर्थ्य बना रहता था। और वचन हमें बताता है, इतिहास हमें बताता है कि प्रभु के शिष्यों ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े चमत्कार किए, और बहुतों को प्रभु का शिष्य बनाया, और उन्हीं में से एक थे संत स्तेफनुस, स्तेफनुस थे जिन्हें कलीसिया ने संत घोषित किया, और उनकी शहादत का दिवस आज कलीसिया मना रहा है। हम उनके बारे में अभी हमने पढ़ा है किस प्रकार से प्रभु के कार्य में वे लगे रहते हैं, और जो सतावट प्रभु यीशु के ऊपर हुई थी, जिस प्रकार की ईर्ष्या और जलन लोगों में थी, विशेष रूप से शास्त्रियों और फरीसियों में, यहूदी नेताओं में, याजकों महायाजकों में, वही आगे बढ़ता है। प्रभु यीशु के जाने के बाद भी उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु अब तो चले गए, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया हम लोगों ने, अब तो हम सुरक्षित हैं, हमारी गद्दी सुरक्षित है, हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रभु के शिष्य सामर्थ्य से भर करके बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाते रहे, और हजारों की संख्या में लोग प्रभु के शिष्य बनते गए, शिष्यों के द्वारा प्रभु का वचन फैलता गया, और स्तेफनुस भी पवित्र आत्मा से भर करके, वचन कहता है कि स्तेफनुस पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गया। क्या पवित्र आत्मा स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से पूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। प्रभु यीशु के जाने के बाद अब यह हो रहा है। तो जो लोग झूठे आरोप में यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, वे लोग बेचैन हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि ये कैसे फिर से शुरू हो गया। वे प्रभु के सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए वे प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, और प्रभु के चुने हुए लोगों को सताते हैं, मारते हैं, काटते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था साउल। साउल एक मुख्य व्यक्ति था जो प्रभु यीशु के शिष्यों को सताता था, उन्हें मारता था, बंदी गृह में डालता था। उसके नाम से सब लोग कांपते थे, डरते थे,
और इस प्रकार हमने साउल के बारे में जाना कि किस प्रकार प्रभु यीशु स्वयं उसको दर्शन देते हैं, उसे घोड़े पर से गिरा देते हैं, उसको वो अंधा हो जाता है, फिर बाद में उसको दृष्टि मिलती है और उसके बाद प्रभु उसे अपना कार्य सौंपते हैं, उसे चुनते हैं अपने कार्य में। और इतिहास बताता है कि उसके बाद वो साउल बिल्कुल बदल गया, प्रभु का शिष्य बन गया और बहुत बड़ा कार्य किया, कलीसिया को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा श्रेय पौलुस को जाता है। और वही पौलुस साउल पौलुस बन जाता है। तो ये स्तेफनुस की इस प्रकार से सतावट फिर शुरू हो जाती है। और हम पढ़ते हैं कि स्तेफनुस जो है उसकी बात जो ईश्वरीय अनुभव जो लोगों में बांटता है उससे इनको ईर्ष्या होती है, वे जलते हैं इसको मारने का, स्तेफनुस को मारने का बहाना ढूंढते रहते हैं, जिस प्रकार वे प्रभु येसु को मारने का बहाना ढूंढते रहते थे। और इस प्रकार से वे स्तेफनुस को पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। और उस समय क्या होता है, स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूं। जब इतनी बात वे सुनते हैं तो ये आग बबूला हो जाते हैं, तिल मिला जाते हैं कि फिर इसने उस ईसा नाजरी का नाम लिया। ये ईसा नाजरी तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ये शास्त्री फरीसी यहूदी नेता याजक महायाजक, इनकी गद्दी हिल रही थी, इन्हें ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि लोग इन्हें संत मानने लगे थे, प्रभु के शिष्यों को बड़े बड़े चमत्कार दिखाते थे जिस प्रकार प्रभु येसु करते थे उसी प्रकार ये भी करते थे, इसलिए इनको उनसे ईर्ष्या होने लगी। और ये संसार ऐसा ही है प्यारे भाई और बहनों, जब आप प्रभु के कृपा पात्र बन जाएंगे, प्रभु के सामर्थ्य से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी, तो आप दिव्य दर्शन देखेंगे, ईश्वर की बातें कहेंगे, ईश्वर जो आपसे कहेगा वो आप बोलेंगे करेंगे, और जो ईश्वर से दूर हैं, जो शैतान की संगति में हैं, उन्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी और वे ये सोचेंगे कि ये होंग कर रहा है, वे आपसे ईर्ष्या करेंगे, चाहे वो कोई भी हो सकता है वो धर्माधिकारी हो सकता है धर्म का पंडित हो सकता है नेता हो, वह आपको मारने का षड्यंत्र रचेगा। यही हो रहा था, आज भी ऐसा ही होता है, आज भी होता है, कई प्रकार से प्रभु के अभिषिक्त लोगों को, प्रभु के चुने हुए लोगों को ये लोग आज भी सताते हैं, आज भी करते हैं, यह दुर्भाग्य है। हालांकि वे प्रभु का शिष्य होने का दावा करते हैं, कलीसिया का उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी वे प्रभु का शिष्य होने का दावा करते हैं, लेकिन वे इस प्रकार का कार्य करते हैं जो पहले ये लोग करते थे। और यही होता है, अंत में क्या हुआ कि जब इतना बात वे सुने, इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। ये होता है, जब आप प्रभु की बातें बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वे सोचे कि ये झूठ बोल रहा है, अपने आप को हमसे महान साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बदनाम करेंगे, आपको बदनाम करने की कई प्रकार की साजिशें रचेंगे। और वे कान बंद कर लेते हैं, शैतान नहीं सुनना चाहता है प्रभु की प्रशंसा। यही होता है, और वचन कहता है कि उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारते रहे। पत्थर मारने की परंपरा थी,
पत्थर से मार मार करके मार दिया जाता था। और ऐसा ही हुआ, गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु ईसा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और यही नहीं, स्तेफनुस क्या कहते हैं, क्या करते हैं, तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। वही किया जो प्रभु ने प्रार्थना की सूली पर, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम संत स्तेफनुस की मध्यस्थता लेते हुए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। समर्पित कीजिए अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों मित्रों को, और प्रभु से आशीष मांगिए। बालक येसु से आशीष मांगिए, हे बालक येसु हमारे परिवार पर दया दृष्टि कीजिए, हमें हर बंधन से मुक्त कीजिए, हर रोग से मुक्त कीजिए। आइए हम एक साथ पुकारें, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। प्रभु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी जय हो, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हमारे निवेदनों को सुन प्रभु, हमें आशीषित कर प्रभु, हमें हमारे दुखों से मुक्त कर, हमें हमारे बंधनों से आज़ाद कर, स्वतंत्र कर यीशु। हर प्रकार के बंधन जो शैतान के द्वारा हमारे जीवन में पड़े हैं प्रभु, इन सारे बंधनों से हमें मुक्त कर, हर अभिशाप से हमें मुक्त कर यीशु, हमें स्वतंत्र कर, अपना सामर्थ्य भेज हम पर हे बालक यीशु, हमें आशीषित कर। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हमारे जीवन में आइए प्रभु।